एतत् चतुशत्या, चतुशती नाम के ग्रंथ में ये बात कही गई है। आत्मना स्फुरणं पश्येत् यदा सा परमाकला, अपने बुद्धि से जब आस्फुरण रूपेण उस चैतन्य को अनुभव करेंगे, वही उस पराशक्ति की परम कला है। ऐसे आरंभ करके कहा कि अंत वही वही खरी विश्व विग्रह, वही वैक्री भाव में स्थित होकर के परावाग समस्त विश्व रूप धारण कर लेती है। इत्यंते ने सम्यक निरूपितम, इस प्रकार से स नव योनि का वर्णन नव चक्र रूपेण, नव योनि नव धातुओं का कारण रूपेण वर्णन किया। संसार नव धातु रूपा है, उसका उत्पत्ति ऐसे हुई है कि वर्णन हुआ, जिसको ततएव अवगम कर उसी ग्रंथ और विस्तार रूपेण उसको जान लेनी चाहिए। अब आते श्लोक में जो कहा था व्यस्ता व्यस्ता तत् अर्णद्वयम् कहा था, व्यस्त और अव्यस्त रूपेण वर्णद्वय है। अर्णद्वय माने वर्णद्वय, व्यस्त का मतलब क्या, व्यष्टि रूपम, व्यस्तम व्यष्टि रूपम, अव्यस्तम समष्टि रूपम। और ये बात जो है सर्वोपनिषद प्रसिद्धम, सर्वोपनिषद व्यष्टि समष्टि भेद जो है समस्त परिषदों प्रसिद्ध है। और अर्णद्वयम क्या, अ और ह, अयुंग ड्रिक एवं हल अंत में ना, अ से ह, ये अर्णद्वय, उसको सुबंत बना दो अहम बन, अ से ह, उसे सु प्रत्यय लाइए, सु नपुंसक लिंग हम हो जाएगा, अहम बन जाएगा। एक तो अस्मद का रूप बनता है, हम वो हल नहीं ले रहे हैं, हम अस्मद का रूप बनता है अहम, वो नहीं है यहां, यहां जो बता रहे हम अ से ह, ये संपूर्ण का द्योतन करने वाले वस्तु का नाम अहम। और सारा संसार इसी से बना हुआ, अ से आया था ना, क्या बताया था, अकथा, अकथा से 51 वर्ण नहीं गिनाया, सारी अक्षर माला अ क थ से ग्रहण कर लिया, अ से 16, क से 16, थादी से 16, 16, 16, 48 और 3 ले लिया था अलग, ह लिया था, क्ष लिया था, ल लिया, कुछ लोग ज्ञा लेकर के 52 कर दिए थे, हक्ष और लॉ क्या है, वो अलग नहीं, वास्तव में दुष्पृष्ट वर्ण कहा जाता है उसको व्याकरण में, दुष्पृष्ट और ढ का ही है उच्चारण, ड को ल और ढ को उच्चारण। अग्निमीड़े पुरोहितम, ऋग्वेद का पहला मंत्र में ईडे, ईड स्तुतौ धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन में अंतरूप ईडे, अग्नि का मैं स्तुति करता हूं, अग्निम ईडे, ड का उच्चारण हो गया ल, दो दीर्घों का बीच में रहेगा तो ल, अग्नि मीले ईडे ईडे, ड को ल उच्चारण। इसी प्रकार ढ बड़ी वाली है, ढ महाप्राण है उसको ल, ह और वही ल रहेगी, ल को ह के साथ उच्चारण होगा ल। इन दोनों वर्णों का नाम महाभाष्यकार ने दुष्पृष्ट कहा है, अगर डर तो है अलग तो है नहीं, ह से अलग अतिरिक्त नहीं है, अक्ष क्या है, क्ष का संयोग से अक्ष होता है, जैसे क और श से वो भी अलग नहीं है, ज क्या है, ज और य, ज और य मिल करके ज बन गया, इसलिए भी उन्हीं अ से ह के अंतर्गत ही हो गया, अलग तो कुछ रहा नहीं, जितने भी संयुक्त वर्ण है सब इसी में अंतर आ जाते हैं, इसलिए आ के ह के अंतर्गत सब वर्ण आ गया, इसको अर्णद्वयम कहते हैं। दो वर्ण फिर दो अक्षर का ज्ञान नहीं जिसको, वो क्या ज्ञानवान पुरुष,
दो अक्षर इतनी है और ह, जिसमें सारा संसार छपा। अहम कहते कैसे वर्ण पकड़ में सारे वर्ण आ जाएंगे, अरे और हाँ दो वर्ण बोल रहे हो तो सब कैसे पकड़ में आ जाएगा, अरे संदंशन न्याय से पकड़ में आ जाएगा। संदंशन न्याय पता है, संदंशन न्याय पता है, अर्थ संग्रह पड़ा भूल गए। बर्तन की पकड़, बर्तन को जो पकड़ते नहीं तो उसका नाम संडसी, संडसी है ना, संडसी संडसी जो बोलते हैं जैसे बर्तन, उसका नाम संदंश संस्कृत में। वो क्या करता है, इधर एक उधर एक दो होता ना, मुंह मुंह खोलोगे तो पकड़ उठा दोगे, बीच और पकड़े में आ ही नहीं आ गया। बर्तन को छूते नहीं हम, उसको पकड़ लिए तो उसे बर्तन भी आ गया, फिर और हा पकड़ लो बीच के चित्र में सब आ जाएंगे। संदर्शन तीन नियम आप आज रंगता आज अंतिम को जोड़ दिया, बीच का सारा वर्ण पकड़े में आ गया। संदर्शन न्याय इसको बोलते, वही बोल रहे संदंशन न्याय ना अखिल अक्षर आत्मक मातृका मंत्रमय प्रकाश विमर्श रूप पूर्ण अंता अंता भाव गर्भ काम कला अक्षरात्मक बिंदु सत्वम इत्यर्थ अरणद्वयम के अर्थ। माने संदंशन न्याय के द्वारा अखिल अक्षरों को पकड़, पूरे अक्षर और पूरे अक्षरों से तो सारे वेद बना। अखिल अक्षर आत्मक मात्री मंत्र मय प्रकाश, मातृ मंत्रमय मातृका और मंत्रमय रूपेण विद्यमान होकर के प्रकाश और विमर्श रूप है, ज्ञान और चैतन्य रूपेण पूर्ण हंतात्मक जो शिव है, वही पूर्ण हंता रूपया शक्ति है, वो जो चीज है भाव गर्भ काम कला पूर्ण हंता भाव, पूर्ण हंता का जो भाव है उससे गर्भित काम कला, काम कला का मतलब क्या है, ये संसार विस्तार, उसका अक्षरात्मक बिंदु सत्वम इत्यर्थ। अक्षरात्मक जो बिंदु है वही यह अहम है, अरणद्वयम शब्द से उसी को कहा गया। कहते हाँ थोड़ा और स्पष्ट कीजिए इसको, कहते अत्र इदम तत्त्वम, यहां जो बात रहस्य कहा गया समझिए, पूर्ण अहंता पूर्ण अ से ह तक जो है उसको जानने वाला पूर्ण अहंता वाला है, यानी पूर्ण अहंकारी महारावण, ऐसा अर्थ नहीं लेने का रावण का महान अहंकारी, वो पूर्ण अहंकार ऐसा अर्थ नहीं लेना, पूर्ण अहंता मयम पूर्ण रूपेण अ से ह तक जितनी भी है तन्मय रूपता को प्राप्त कर, क्या है वो परम ब्रह्म, परम लेकिन सबसे विशिष्ट है, शुद्ध नहीं वह परम ब्रह्म, इसलिए कहते हैं पत्नी विशिष्टमेव, माया विशिष्ट शक्ति विशिष्ट है वो, तभी तो अहंता विशिष्ट होगा पूर्ण अंतरूप होगा, ये सब संसार ही और आपके अंतर्गत आ गया और उससे विशिष्ट है वो सगुण ब्रह्म। पत्नी विशिष्टमेव सकल कार्य निर्वाहकम, वही सकल कार्य निर्वाहक होता है, इति सर्वागम प्रसिद्धम, सकल आगमों में चाहे वैष्णव आगम लीजिए या शैवागम लीजिए या शाक्त आगम लीजिए, कोई भी आगम ग्रंथ ले लीजिएगा सभी में यह बात प्रसिद्ध है। तथा कैसे आगमों में यह बात कह दिया गया, कहते इसका आधार क्या है, कहते प्रधान को प्रसन्न तथा बृहदारण्य के आत्मा ही विदम अगर आसीत, आत्मा ही एक अद्वितीय परे था, पुरुष विदह पुरुष रूपेण था, सो अनुवीक्ष्य चिंतन किया विचार किया तो देखा क्या मेरे अलावा कोई दूसरा है नहीं, सो अनुवीक्ष्य नान्यत आत्मनो अपश्यत, अपने से अलग कुछ भी उसने नहीं देखा। सो अहम अस्मीति अग्रे व्याहरत, तब उसने क्या कहा, मैं ही हूं और कुछ है नहीं, अहम अस्मी अहा ही हूं मैं और कुछ नहीं, ततो अहम नाम अभवत, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, अहम नाम पड़ गया, इसलिए उसका नाम अहम पड़ गया,
इसलिए आज भी कोई पूछता कौन है, मैं हूँ, ऐसा पहले बोलोगे। अरे मैं कौन है, तब अपने नाम बताएगा अमुक हूँ। पहले तो हर आदमी सीधे कहता है मैं हूँ। बिल्ली तो ये रटती रहती मैं हूँ करती रहती। ब्रह्मा ने जो ब्रह्म ने आदिकाल में कहा वो बिल्ली 24 घंटा रटती। लेना अर्थ नहीं समझती है, दिक्कत है ना उसको बेचारे को, नहीं तो उसको भी लाभ हो जाता। ततो आम नाम भवत तस्माद भी एतरी, इसलिए आज भी आमंत्रितो, किसने पूछा है कौन है बार, अहम इत्येव अग्र उक्त्वा, मैं हूं ऐसा ही पहले कह करके, अथ अन्य नाम ब्रूते, उसके अनंतर क्या करता है, उसका अपना जो नाम होगा विष्णु दत्त यज्ञ दत्त इत्यादि वो कहता है। इति उपक्रम्यो, ऐसा प्रधान प्रसाद में कहानी आरंभ किया। पूर्ण हंता मय पर ब्रह्म स्वरूपम दिव्य दंपति रूपत्वेन आस्थाय, इस तरह से पूर्ण अहंता में उस पर ब्रह्म स्वरूप को एक दिव्य दंपति रूपेण उन्होंने स्थित कराया और ये दिखा दिया सर्व तत्व निर्मातृत्व विद्योतते, सर्व तत्व के निर्मात रूपेण वह प्रकाशन कर दिया उसको। उसने ही बाद में संकल्प करता है ना, असल निर्माण करता है। तो एकाकी न रमतेव कहता है ऊपर तन वाक्य ही निरूप्यते यथा स वै नैव रोम्य रे मे, इस वाक्य उसने उपनिषद मंत्र ही प्रदान में स वै नैव रे मे, उसको आनंद नहीं आया, मैं अकेला सर्व तत्वमय रूप में हूं लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा। तो क्या किया उसने, तस्माद एकाकी न रमते, क्या क्या बात बताएंगे, इसलिए आज भी अकेला किसी को मजा नहीं आता, दूसरा चाहिए इसको। अन्य स्वरूप नहीं था ना, अब क्या शुरू क्या कहानी करी, माया विशिष्ट है ये आनंद स्वरूप था तो समस्या ही नहीं थी ना, ये माया जुड़ने से सारी समस्या खड़ी हो गई। माया उसको खलबले मचाती अंदर से, उसको आनंद स्वरूप तक भुला दिया, जब आनंद स्वरूप तक भुला दिया आवरण कर दिया, अब वो आनंदित कैसे रहेगा, अकेले में मजा नहीं आ रहा। इसलिए आज भी वही हाल है ना, जितने अज्ञानी हैं वो सब वो क्या हाल है, अकेले मजा नहीं आता। माया तो अधीन है तो क्या, आवरण तो कर लिया उसने, ये तो है। इसलिए ये सब प्रक्रिया बताने के लिए ना, वास्तव में माया है ना, माया ने आवरण किया, कुछ तो है नहीं, लेकिन समझाने प्रक्रिया कैसे आ गया संसार, इसे प्रक्रिया कुछ बताना पड़ता है। तो माया ने उसे आवृत कर लिया था, इसे अपने आनंद रूप को भूल गया, भूल जाने से उसने ये सोचा मैं आनंद में आनंद नहीं मिल रहा है, मैं अकेला क्या करूं, कहां से लाऊं कुछ, तो विचार किया अपने बाएं हिसाब से निकाल दे स्त्री को, बाएं अंश दाएं से अपने आप पुरुष रूप में खड़ा, दोनों पति पत्नी हो गए, आनंद लिया, तब उसको लगा हाँ अब मिल गई है, काम चल रहा है, यही आज सब सोच रहे हैं, अकेला मजा नहीं आता, शादी कर लेते हैं फसल से हमारा सब काम चलेगा, फिर दुखिया दुखिया तो हो जाते हैं संसार चक्र उड़ाए चक्र रे तदस क्या हुआ नरम दे सा द्वितीय इच्छत, इसलिए आज भी एकाकी नरम थे सा द्वितीय इच्छा, कोई द्वितीय की इच्छा करने लगा, स इमम एव आत्मानं द्वेद अपातयत, वह अपने शरीर को दो भाग में बांट दिया, माया विशेष चेतन को में दो विभाग प्रकाशित कर दिया, प्रकट कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया। तथा पतिश्च पत्नी च भवताम, इसलिए वह पति और पत्नी भाव को प्राप्त कर गया, एक ही का दो भाग हो गया। इसलिए आज भी कहते पति पत्नी क्या है, ये अर्धांगिनी है, एक दूसरे का अंग ही है, ये अलग अलग नहीं है, दो नहीं है। जैसे दाल का दो हिस्सा होता है, दाल है उसको फोड़ बीच में फोड़ दो तो दो हो जाता है, मिला देते हैं एक हो जाता है, उसी प्रकार है सारा संसार। ये इत्यादि ना सब पत्रिक में वो ब्रह्म प्रतीयते, इसलिए वहां इस पूरा प्रकरण में ब्रह्म कैसे प्रतीत हो रहे हैं, सब पत्नी कमेव ब्रह्म, महाविष्ट ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है।
एवं भूतम अरणद्वयम, यही अरणद्वय है। और अ का मिलन, पति और पत्नी का मिलन, प्रकृति और पुरुष का मिलन, यही अर्थ है, कुछ नहीं। एकादशात्मक समहृत्य है वो ग्यारह रूप, उसको समहृत्य विचार्य माने एकादश विधम भवती, विचार करने पर एकादश प्रकार का हो जाता है। इत्यर्थ इस श्लोक में था व्यस्ता व्यस्त तत् अरणद्वयम् इदम् एकादशात्मा पश्यन्ति, इस श्लोक में था, मंत्र में नहीं, उद्धृत श्लोक की व्याख्या हो रही है, कामकला ध्यान का व्याख्या। तो कैसा हो एकादश हो गया, कथम परादि शांतांतम शक्ति दशकम, परादि शांत तक क्या है शक्ति दस प्रकार, नौ थी ना, नौ में परा को जोड़ दो दस हो जाएगा, ठीक है। और ग्यारहवा कौन सा है, कहते हैं पराज शांतांतम शक्ति दशकम ये वेष्टि रूपम, ठीक है। और सर्व कंखल विदम ब्रह्म तत्चलान, जो कहा गया था सर्वम समिष्टि रूपत्व न च एकम, जो समस्त समिष्टि रूप है वो एक है, तो दस और एक ग्यारह। और इन सब की समष्टि भिन्न थोड़ी होता है, इन सब का समष्टि को एक ले लिया। तेने च एकादशात्मकम बिंदु तत्त्वमेव पश्यन्ति कारणं भवति, इस प्रकार से एकादशात्मक जो है ये बिंदु तत्व ही है, पश्यन्ति ही कारण रूप है उन सब का। इसमें क्या प्रमाण है, सर्वं खलविदं ब्रह्म तज्जला शांत उपासित छांद उपनिषद इतिवत् कार्य कारण यह अभेद उपदेश, कार्य और कारण का अभेद उपदेश करते हुए ग्यारह हो गया, नहीं तो ग्यारह नहीं। नवधातव वास्तव में है ये नव ही, एताश्च नवयोनिः, सारा संसार नव धातुओं से बना है, इसलिए इनका कारण भी नव शक्तियां होंगी। नव धातु है तव इत्यर्थः, इसे नवयोनिः पहला शब्द मंत्र का नवयोनिर, उस नवयोनि का अर्थ क्या है, नव धातुओं का कारण, वही नौ शक्तियां हैं, ये वर्णन हुआ। इन नौ धातु कौन है, जिनके कारण आत्मिक नौ शक्तियां बताया अपने पांच और चार, तब कहते त्वंग श्रृंगमान समेदो अस्ति धातव शक्ति मूलका मज्जा शुक्ल प्राण जीव धातव शिव मूलका नव धातु रयन देहो नवयोनि समुद्भवः दशमो योनिर एकैव पराशक्तिस्तदीश्वरी। पांच चीजें शक्ति से होता, उपनिषदों में भी आया, शरीर निर्माण हुआ माता से कौन सी चीजें आती हैं शरीर, और पिता का वीर के बल पर कौन सी चीजें आती हैं, खेती से क्या बना, बीज से क्या बना, कहते खेती से पांच चीज बनती शक्ति मूलका, त्वक चमड़ा, अश्रग खून, मांस मैदा और हड्डी, ये पांच चीजें पांच धातु जिसे शरीर बना है ये शक्ति तत्व से आया। और पुरुष शिव तत्व से क्या क्या आया, मज्जा शुक्र शोणित, एक चीज पुरुष में शुक्र होता है स्त्री में शोणित, प्राण तीसरा, चौथा जीव भाव, ये चार चीजें शिव मूल का, मज्जा शुक्र प्राण और जीव नाम के धातु, ये चार चीजें शिव मूल का, कुल नौ हो गए। इन्हीं नौ धातुओं का कारण नौ शक्तियां। और दशमा कौन, दशमो योनिर एकैव, दसवां यदि कोई कारण आप समझना चाहो एक ही है, जो नौ का भी मूल कारण है, कौन है वो, पराशक्ति ही तदा ईश्वरी, वो पराशक्ति है, वही ईश्वरी है, वही दसवीं शक्ति है, वही दसवां कारण मान लीजिए, वो एक ही है। दसवीं योनि बैंदव स्थान, इसे दसवीं योनि कौन है, ईश्वरी पराशक्ति, यही बैंदव स्थान है, तद ईश्वरी तस्य देहस्य इत्यर्थः, क्योंकि तद ईश्वरी का अर्थ क्या है, तस्य देहस्य ईश्वरी, इस देह का वह ईश्वरी,
इस देह का संचालन करने वाली है, माने पराशक्ति इस रूप में परिच्छन रूप में शरीर के अंदर इस शरीर को संचालन करने के लिए बिंदु स्थान में बैठी, सबसे ऊपर बैठी। नव धातुरयन देहो नवयोनि समुद्भवा, इसलिए कहा नव धातुरयन देहो, नव धातु वाले शरीर है, नव योनियों से उत्पन्न है, दसवां योनि जिसका मानी जाए तो एक पराशक्ति है जो इस शरीर का ही शासन करने वाली ईश्वरी है। एवं पिंडांडम उत्पन्नम, एवं पिंडांडम उत्पन्नम तद्दत् ब्रह्मांडम उद्भवौ पंचभूतानि शाक्तानि मायादीनि शिवस्यतु माया च शुद्ध विद्या च महेश्वर सदाशिवौ। जिस प्रकार से पिंड पैदा हुआ है उसी प्रकार से ब्रह्मांड भी नव धातु से पैदा हुआ। एवं पिंडांडम उत्पन्नम, पिंड रूपी अंड पैदा हुआ जैसे, तद्वत् ब्रह्म रूपी अंड ब्रह्मांड है वह भी उद्भव वह भी उत्पन्न हुआ, पिंडांड और ब्रह्मांड। पिंडांड में हमने पंच देखा धातु और चार धातु शक्ति और शिव से प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से पंचभूतानि शाक्तानि, पांच जो भूत है वो शक्ति से आए हुए हैं और मायादिनी मायादि जो चार है वो शिव से आया हुआ। मायादि चार कौन से हैं स्वयं गिना रहे, माया च शुद्ध विद्या च और महेश्वर सदाशिव। शैव दर्शन में भी था परमशिव था, फिर सदाशिव, पहले शिव शक्ति ईश्वर, सदाशिव हो गया, ईश्वर हो गया, शुद्ध विद्या, उसमें क्या करें माया शुद्ध विद्या महेश्वर और सदाशिव नाम के ये चार चीज माया आदि जो चीजें ये शिव तत्व से प्रकट हुआ ब्रह्मांड के लिए। एकादश इंद्रियाणि शब्दादि तन्मात्रा तच्छब्देन प्रामृश्यन्ते, तच्छब्द के द्वारा किसको बताया गया है, कदे ग्यारह इंद्रियां और शब्दादि तन्मात्राएं, ये सोलह तत्वों को तच्छब के द्वारा परामर्श कराते हैं। शिव शक्त्यात्मकं विद्धि जगदे तच्चराचरम, कहते हैं कि भाई ये जो जगत है चराचरात्मक जो जगत है वह शिव शक्त्यात्मक कैसा जानो। इस प्रकार से भी कहा अयम अर्थ चरम ने पिंडांडम, अचरम मने ब्रह्मांड, चर कौन है ये पिंडांड और अचर क्या है ये ब्रह्मांड, ये चराचर ये सब के सब शिव शक्त्यात्मक है ऐसा निश्चय करो। इस प्रकार वर्णन हो गया नव धातु रूपा सारा संसार है, नव शक्तियों से निर्मित है बता दी, कुछ ने उसको ग्यारह रूप मान लिया वही बात नहीं, कुछ दस कांड रूपा माना तब भी चला, नौ दस और ग्यारह तक की हो गई, सोलह था उसके सोलह आ गया, एकाश इंद्रियों को जोड़ करके सोलह मान लिया उन्होंने और पंचभूत को लेकर के कुल सोलह बना करके दिखा दिया। और कुछ नहीं, नहीं ये छत्तीस है भाई, केचित शत्रिशत्तानि आहु, कौन है शैव मत वाले छत्तीस तत्व मान लिया। तब उत्तरत्र वक्षा, उस बात को भी मागे विस्तार पर विचार करेंगे। और बिन पुराण के लोग क्या मानते हैं कावन मानते हैं, एक पंचाशत तत्वानि थे पौराणिक कथयंती, इक्यावन तत्व है इस संसार में ऐसे पौराणिक लोग कहते हैं। एकाध पुराण का बता दो कहीं कहा हुआ तो सुन लो, तथा ही पंचभूतानि तन्मात्र पंचकंचेन्द्रियाणि च ज्ञान इंद्रियाणि पंचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च त्वगादि धातव सप्त पंच प्राणादि वायवः मनश्चाहंकृति ख्यातिर गुणः प्रकृति पुरुषौ रागो विद्या कला चैव नियतिः काल एव च माया च शुद्ध विद्या च महेश्वर सदाशिवौ शक्तिश्च शिवतत्त्वञ्च तत्वानि क्रमशो विदुः।
ऐसे तत्वों को वर्णन कर रहे हैं। देखिए पहला बोला पंचभूता, पांच हो गया, जोड़ते जाओ साथ साथ, तन्मात्र पंचकम, तन्मात्राएं पांच, पंचभूतों में कारणीभूत पंच तन्मात्राएं होती हैं, पांच और पांच दस। इंद्रियाणि च, इंद्रिया भी पैदा हुए, कितने हैं, ज्ञान इंद्रियाणि पंचैव, ज्ञान इंद्रिया पांच, दस और पांच पंद्रह हो गया। कर्मेंद्रियाणि च, कर्मेंद्रिया पांच बीस हो गया, ठीक। त्वगादि धातव सप्त, अभी जो बता दे त्वगादि सात धातु, जैसे प्राण और जीव को छोड़ दो, नौ थे ना, नौ में से सात वही है, और नौ प्राण को अलग ले रहे, पंच प्राणादि वायव, कितना हो गया सत्ताईस, है ना, सात धातु से और पंच प्राण, सत्ताईस और पांच बत्तीस हो गया। और मनश्च अहंकृति ख्यातिर गुणा प्रकृति पुरुषौ, ये आठ है, देखो मन एक, अहंकार दो, ख्याति मने बुद्धि, गुण मने सत्र स्तंभ तीन, तीन तीन छह, प्रकृति सात, पुरुष आठ, कितना हो गया बत्तीस और आठ चालीस हो गया। अब फिर पांच किनारे, रागो विद्या कला चिव नियति काल एव च, राग विद्या कला नियति और काल, ये पांच, पैंतालीस हो गया, ठीक। माया च शुद्ध विद्या च महेश्वर सदाशिव, चार, उनचास हो गया, उनचास हो गया। फिर दो, शक्तिश्च शिव तत्व च, इक्यावन, इस तरह तत्वानि क्रमशः, क्रमश तत्वों इस प्रकार से पुराणिक लोग वर्णन करते हैं। एतानि एक पंचाशत तत्वानि वायव्य संहिता दिना दिशा एव पुराणेषु सर्वेषु प्रतिपादिता, एक कोई वायव्य संहिता है उसी के आधार पर पुराणों में एक कावन तत्वों का सभियों ने वर्णन किया। एतेषु तत्वेषु, लेकिन अंतर्वाह हो जाएंगे, एक कावन बहुत बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, घट जाएगा अपने आप। कतिचन तत्वानि कुत्रचित अंतर्भवन, बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो किसी न किसी मंत्रवा हो जाते। पंच प्राण को एक प्राण सबसे ले लिया पहले, एक में आ जाएगा वो, और पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंचभूत, ये सब क्या है, तन्मात्र के कार्य, ये सारा पंद्रह वो पांच में चला जाएगा। इस तरह से अंतर्वाह कर रहे, देखिए त्वगाद शब्द धातु वह भूतेश अंतर्भाव, ये धातु शब्द धातु क्या है, हड्डी मांस कोने सब क्या है, पंचभूत ही तो है, इसलिए पंचभूतों में इसको अंतर्भाव कर दो। प्राणादि वायुओं को वायु में अंतर्भाव, अंतर्भाव अंतर्भवंती, अतो भूतेशो येषा अंतर्भाव, इस भूतों में सात और कतिचन, हाँ सात त्वगादि हो गया और प्राणादि पांच, बारह को आपने घटा दिया, इक्यावन में बारह अपने आप घट गए, पंचभूतों में ही अंतर्भाव हो गया। फिर अहंकार से मन से अंतर्भाव, अहंकार को मन में अंतर्भाव कर दो। ख्याते है विद्यायाम, शुद्ध विद्या जो कहा गया उसे बुद्धि तत्व को आप अंतर्भाव कर दो, दो और घट गए, बारह दो चौदह घट गया। गुणानाम प्रकृत अंतर्भाव, तीन और घट गया, तीन गुण थे उनको प्रकृति में ले लो, तो बारह दिन पंद्रह घटा, प्रकृति स्तु और प्रकृति को भी शक्ति में चले जा डाल दो, सोलह घट गया। पुरुषस्य महेश्वर अंतर्भाव, सत्रह घट गया। कला यह शुद्ध विद्या अंतर्भाव, और कला को शुद्ध विद्या में डाल दीजिए उसको भी, अठारह। नियते स्तु शक्तव्य अंतर्भाव, नियति को शक्ति में अंतर्भाव कर दिया, कितना घट गया, उन्नीस घट गया। कालस्य महेश्वरे सदाशिवे अंतर्भाव, काल को महेश्वर में अंतर्भाव कर दो अथवा सदाशिव में अंतर्भाव कर दो, तो बीस घट गया। शक्तिस्तु शुद्ध विद्या अंतर्भाव, और शक्ति को भी शुद्ध विद्या में अंतर्भाव कर दीजिए, इक्कीस घटा। शिव तत्व से सदाशिव अंतर्भाव, बाईस घट गया। तत्वाने पंचविंशतिरेव, इसे तत्व कितने हो गए, पच्चीस ही रह गए, ऐसा हो गया, इक्यावन में बाईस ही घटा ना, आपके इक्यावन में बाईस घटता है तो पच्चीस कैसे बचे, छब्बीस घटना चाहिए, इक्यावन में छब्बीस घटेगा तब ना चौबीस बचेगा, पच्चीस बचेगा,
पंचभूतानी, इसलिए घटा रहे देखो, पंचभूतानी तन्मात्र पंचकम, पंच ज्ञानेन्द्रियानी माया शुद्ध, कौन से इसलिए बच गए, पंचभूत बच गया, पंच तन्मात्र बच गई, पांच और पांच दस, पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया बीस, और माया इक्कीस, शुद्ध विद्या बाईस, महेश्वर चौबीस, तेईस, बीस, पांच 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 बीस, इक्कीस बाईस तेईस, महेश्वर के तेईस, सदाशिव आत्मकानी सदाशिव गया चौबीस, इस तरह से चत्वारी एतानी सहितम, और पराशक्तिश्चय का पच्चीसवा पराशक्ति इति पंचविंशति तत्वानि सम्मतानि श्रुति अनुग्रहीतत्वात्, यही पच्चीस सम्मत माननी चाहिए श्रुति के अनुकूल होने से। इसका मतलब 26 घटा, कहीं चार गिनने में गलती हुई है, चार और घटा है, इनको भी परस्पर अंतर्भाव कर दिया ना, जैसे पंच प्राणों को वायु में डाला, वायु कहाँ गया, पंचभूतों में चला गया वापस, उनको भी आगे बढ़ा दिया ना, उस तरह से यहाँ भी शुद्ध विद्या के अंदर सब ला रहे हैं, शक्ति को भी लाया, इस तरह से एक अधिक जो आगे बढ़ा दिया, जो प्रकृति थी वो भी नहीं रह गई, प्रकृति का भी लय कर दिया, शक्ति में डाल दिया उसको, पुरुष को भी सराशि में डाल दिया, जीव को, इस तरह से जो घटाया वो पूरी 26 घट रहा है। श्रुति का प्रमाण है इसमें, तथा श्रुति पंचविंश आत्मा भवती थी, 25 तत्वों से युक्त आत्मा है, ऐसे कर दिया। अतः सर्वतत्वादितम शिव शक्ति संपुटम तस्मादेव जगत उत्पत्ति, इसलिए सर्वतत्वातीत और शिव और शक्ति का संपुटित जो स्थिति है उसी से ही समस्त जगत उत्पत्ति है। तदुक्तम सुभगोदय, सुभगोदय स्तोत्र में कहा कि परोपि शक्ति रहित शक्त कर्तुम न किंचन, शक्त स्यात् परमेशानी शक्तिया युक्तो भवेत् यदि। परोपि शक्ति रहित, परमात्मा है शिव है, वह भी जब शक्ति रहित होता है वह किंचन कर्तुम न शक्त, वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता, और जब शक्त स्यात् हे परमेशानी शक्तियुक्त भवेत् यदि, शक्ति से युक्त जब हो जावे तब वह कार्यों को करने में शक्त होता है, मैंने समर्थ होता है। इसी आज के आधार पर वहां सुबह सूत्र के आधार पर ही उन्होंने वहां बोला है सौंदर्य लहरी के पहला श्लोक में, शिव शक्तियुक्त यदि भवति शक्त प्रभवति।